दोस्तों नमस्कार, स्पीड क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आईपीएल 2021 को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का कहना है कि मार्च में सस्पेंड किए गए आईपीएल 2021 के बाकी मैचों का आयोजन 19 सितंबर से यूएई में आयोजित किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि 29 मैचों के बाद अचानक कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया गया था। अब नए कार्यक्रम के अनुसार माना जाए तो इसका फाइनल 10 अक्टूबर को यूएई में खेला जाएगा। दोस्तों दूसरी खबर है कि केकेआर के स्टार ऑलराउंडर पैट कमिंस सितंबर 19 से शुरू हो रहे आईपीएल के बाकी मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके साथ ही हो सकता है वेस्टइंडीज़ के कुछ खिलाड़ी भी सीपीएल की वजह से आईपीएल के कुछ शुरुआती मैचों में ना खेल सकें। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए बीसीसीआई लगातार वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के संपर्क में है। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज़ क्रिकेट से आग्रह किया है कि वो सीपीएल के मैच तयशुदा कार्यक्रम से एक हफ्ता पहले ख़त्म करवाने की कोशिश करें, जिससे वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों का आईपीएल में खेलने का रास्ता साफ हो सके। इसके अलावा जब तक इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी उनके बोर्ड से एनओसी नहीं मिल जाती, तब तक उनके खेलने पर भी असमंजस बना रहेगा। इसके अलावा आईपीएल को भारत से बाहर कराए जाने पर जब लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जैसा ने कहा कि भारत में सितंबर अक्टूबर में बारिश का मौसम होता है, जिसकी वजह से आईपीएल को यूएई में शिफ्ट किया गया है। इस पर कमेंट कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों कि क्या यूएई में आईपीएल का होना सही है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।